हेलो दोस्तों, यहाँ पे परारे प्रॉक्सी एप्लीकेशन आ चुकी है। काफ़ी बेहतरीन एप्लीकेशन है दोस्तों, काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है। परारे प्रॉक्सी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों इस एप्लीकेशन को आप बेहतरीन तरीके से यूज कर सकते हो कई जगह पे। एंड दोस्तों इस एप्लीकेशन के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी वीडियो में, लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों परारे प्रॉक्सी एप्लीकेशन को डाउनलोड भी कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अबाउट दिस ऐप में इस एप्लीकेशन की कुछ सिक्योरिटी के बारे में जानकारी मिल जाएगी, जो कि चेकआउट भी कर सकते हो। एंड दोस्तों चैनल पे अगर आप नए हो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। इसे क्या होगा, जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा किसी भी वीडियो का। तो परारे प्रॉक्सी एप्लीकेशन का आप जैसे ओपन कर लेना अपने फ़ोन के अंदर। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आपको यूके कंट्री का सर्वर, जापान, साउथ कोरिया, यूएस, इटली, कई कंट्री का सर्वर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप सेलेक्ट करके एक्सचेंज करके आप किसी भी ग्लोबल कंट्री का सर्वर अपने डाटा से कनेक्ट कर सकते हो। जैसे दोस्तों यूके के ऑप्शन पे एक छोटा सा एरो भी देखने को मिल जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही आप कोई भी सर्वर सेलेक्ट कर सकते हो जो आपको चाहिए। तो मैं यहाँ पे यूएस कंट्री का सर्वर सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करते ही यहाँ पे कनेक्टिंग रिक्वेस्ट आ जाएगी, कनेक्टिंग रिक्वेस्ट में ओके के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही दोस्तों आपका जो डाटा है ग्लोबल कंट्री के सर्वर से कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट होने के बाद क्या फ़ायदे, किसी भी वेबसाइट को ओपन कर सकते हो, कोई भी वेबसाइट चला सकते हो, कोई भी एप्लीकेशन यूज कर सकते हो, कोई भी वीडियो चला सकते हो, गेमिंग एप्लीकेशन बूस्टिंग कर सकते हो और भी कई न्यू फायदे उठा सकते हो। दोस्तों यहाँ पे कनेक्टेड सक्सेसफुल हो चुका है और कई फायदे उठा सकते हो। और दोस्तों आपको ये भी बता दूँ कि एप्लीकेशन में डाउनलोड अपलोड डाटा स्पीड भी आपको देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों जो सर्वर है काफ़ी जगहों पर यूज कर सकते हो, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज कर सकते हो। और दोस्तों यूज करने के बाद अगर आपको डिस्कनेक्ट करना है तो वन क्लिक करके इसको डिस्कनेक्ट भी किया जा सकता है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि डिस्कनेक्ट हो चुका है। दोस्तों अगर आपको ऐसे ही यूज करना है, ऐसे ही परारे प्रॉक्सी एप्लीकेशन को चला सकते हो। और दोस्तों इस एप्लीकेशन में वन क्लिक करके कनेक्ट भी कर सकते हो, वन क्लिक करके इसको डिस्कनेक्ट भी कर सकते हो। जय जय भाई, वंदे मातरम, थैंक यू।